हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सिटी स्कैलेंस 2 की एक और नई मजेदार गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने फार्मिंग इंडस्ट्री बनाने का काम किया था। इधर को मैंने पूरा फार्मिंग इंडस्ट्री बनाया है, उसके बाद इधर को फॉरेस्ट्री हो गया, ऑयल ड्रिलिंग हो गया, स्टोन माइनिंग, ये सारी चीजें हमने बना दिया है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट है ना वो अब बढ़ चुका है। अभी देखोगे तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर रहे हैं। कभी कभी ये प्रॉफिट 1 लाख तक भी चला जाता है, कभी कभी ये कम हो जाता है। तो अभी भी बहुत सारी चीजों को सिटी में सही करने की जरूरत है, जैसे एजुकेशन सिस्टम वगैरह हो गया, वो सारी चीजें, और ऐसी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जो अभी तक हम अपनी सिटी में इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो हम उसका एक्सपोर्ट करके भी अर्निंग कर सकते हैं अच्छी खासी। तो चलो इन्हीं सारी चीजों पे आज काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। जितने सारे लोग भी चैनल पे नए आएंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये चीज फिक्स करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा घटिया मैंने बना दिया। ये जो बस स्टेशन यहाँ पर मैंने प्लेस किया है ना, बहुत ही टट्टी जगह पर प्लेस किया है, इसको भी मुझे हटाना है, बस डिपो को भी हटाना है। इसको मैं ऐसे साइड में प्लेस कर सकता हूँ और ये 4 लेन वाला रोड इधर को ला सकता हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा। तो एक काम करते हैं, इस रोड को मैं 4 लेन में अपग्रेड करता हूँ, ठीक है, इधर साइड को ये ऐसे 4 लेन में हो जाएगा। तो अभी एक काम करो, यहाँ पर जितने भी सारे लोग हो यहाँ से चलो दफा हो जाओ। भाई एक टाइम मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, दूसरे टाइम मैं इनको गायब कर देता हूँ, बहुत गालियाँ दे रहे होंगे मेरे को। और यहाँ पर भी एक रोड बनाता हूँ। सबसे पहले तो ब्रश साइज को थोड़ा कम करते हैं, आई गेस थोड़ा और 10 पे करते हैं, और उसके बाद कोई एक लेवल लेते हैं यहाँ का जो डाउन हो, इस लेवल को ये लेवल लेते हैं। ब्रश साइज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 20 पे आई गेस सही रहेगा। इस लेवल को यहाँ से सीधा लाते हैं इधर तक। ये मैं क्यों बना रहा हूँ अभी आप लोग देखना क्या मस्त चीज बनने वाला है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे ये पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। ये बनाना वैसे टफ है थोड़ा सा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बन जाए। यस, यही करना है। वेट, इसको ना थोड़ा कम करो। ये लेवल अपने को चाहिए यहाँ से। ओ नाइस, इसको लेके आता हूँ यहाँ तक सीधा। तो ये जो वॉल साइड में बन रहा है ना यहाँ पर, ये अपने को चाहिए। इसको फिर यहाँ तक पूरा ही कंप्लीट कर देता हूँ ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में बट अच्छा लगेगा देखने में। तो एक काम करता हूँ, पूरा ही कंप्लीट कर ही देता हूँ। ओके, ये करने में थोड़ा टाइम तो लग गया बट आई थिंक अब ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। अगर यहाँ से वॉक करते हुए जाते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ का टेरेन थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ये सब जो भी ऊपर साइड को ये मिट्टी आ रखा है ना, उसको स्मूथ करके ऐसे डाउन कर सकते हैं। ओके अब सही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पर कनेक्ट। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि अब मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके जाने वाला हूँ। ओह नो, यहाँ पर तो आ ही नहीं पाएगा, आ जाएगा। बस ये रोड अपने को डिलीट करना पड़ेगा, अब तो आ जाएगा। चलो ये आ जाएगा यहाँ पर, डन सीन। इसको भी पूरा डिलीट करो यहाँ से, और अपना जो ये बस स्टेशन है ये आएगा इस वाले जगह पर। लाइन वगैरह ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, बट देखते हैं क्या होता है। अब ये 4 लेन वाला रोड भी पूरा डिलीट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा। यहाँ पर हम चलेंगे इंटरसेक्शन में, और एक जो छोटे वाला इंटरसेक्शन था ना दोनों साइड को जाने के लिए, ये वाला या कोई और, ये वाला नहीं, ये थोड़ा बड़ा है। ये तो चाहिए नहीं, ये तो चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें दोनों साइड को कनेक्शन चाहिए। तो बचा यही वाला इंटरसेक्शन जो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसको सीधा करके एकदम यहाँ पर प्लेस करते हैं। बूम, सही तो है। यहाँ पर कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, वैसे कनेक्ट हो गया, पाइपलाइन वगैरह कनेक्ट नहीं हुआ है। बाकी इधर को ये 4 लेन वाला हाईवे यहाँ तक लाता हूँ, ये कनेक्ट होगा यहाँ पर, और एक और लेके जाएंगे, ये कनेक्ट होगा यहाँ पर। इससे इस रोड का कनेक्शन इधर साइड को भी आ चुका है, और यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगा, इसकी वजह से मैंने ये चीज प्लेस किया है। इसको लाइट क्यों नहीं मिल पा रहा पंपिंग स्टेशन को अपने, यहाँ से इसको लाते हैं इधर को इस वाले जगह पर, और 2 लेन के रोड से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, और ये डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक राउंड अबाउट भी बना दिया जिससे कि ट्रैफिक थोड़ा और फास्ट मूव हो पाए। तो अब देखते हैं कि ये चीज कैसा वर्क करता है। वैसे यहाँ का ट्रैफिक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, यहाँ पर भी पहले बहुत ट्रैफिक लग रहा था, अब यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा बहुत इधर को लग रहा था, ये भी बिल्कुल सही हो चुका है। अभी चलते हैं यहाँ पर, मुझे एक चीज ये चेक करना है कि वर्क प्लेस कैसा चल रहा है। यहाँ पर अनएजुकेटेड लोग 2100 चाहिए, 2000 हैं, ठीक है ये चल रहा है। पुअरली एजुकेटेड 4000, ये भी बराबर बराबर चल रहा है। एजुकेटेड लोग भी ठीक ठाक चल रहा है, वेल एजुकेटेड ये भी सही चल रहा है। हाईली एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। ओके,
हाईली एजुकेटेड मतलब कि यूनिवर्सिटीज वगैरह बनानी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटी मैंने अनलॉक किया था या नहीं? यस, ये रहा ना, यूनिवर्सिटी मैंने अनलॉक कर दिया है। और वैसे मैं सोच रहा था ना, क्यों ना यूनिवर्सिटी को इस वाले छोटे से आइलैंड पे लगा दिया जाए। वैसे अगर चेक करें एक बार तो ये कितना एरिया लेता है, अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है ये, और इस पूरे आइलैंड पे ये आ जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगेगा। वैसे इसको तो मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर भी स्पेस है, इधर को भी स्पेस अच्छा खासा है, और हम इधर को भी लगा सकते हैं इस वाली जगह पर, बट आई गेस यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मैं अभी ये भी सोच रहा हूँ कि हो सकता है कुछ और भी ऐसी बिल्डिंग्स हो जो यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगे, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी जो हो रहा है उसको देखते हैं। इसी जगह पे बनाएंगे, इन सारी चीजों को यहाँ से डिलीट करते हैं। ये किसका घर है भाई छोटू से यहाँ पर, इसको भी डिलीट करो, चलो गायब हो जाओ। और इसको एक अच्छा सा शेप देना होगा, रेक्टेंगल दू या फिर सर्कल दू, कैसा इसको शेप दू? पहले तो मुझे ये वाला टाइल्स भी परचेस करना पड़ेगा, तब जाके मैं पूरा एक्सेस कर पाऊंगा इस वाले को। चलो यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं, मैं सोच रहा हूँ सर्कल शेप दे दू इसको। ओके, अगर इतना बड़ा सर्कल रहेगा तो आ तो जाना चाहिए, यस परफेक्ट आएगा यहाँ पर। बट इसको ना परफेक्ट सर्कल भी बनाना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये परफेक्ट सर्कल बने। ये सेंटर एरिया होना चाहिए, इसको मैं लेके चलता हूँ इधर को। कितना जा रहा है, 344 ये इधर को गया, तो 344 ये इधर को भी आना चाहिए। ठीक है, तो इधर को ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यहाँ तक। अब इसको लेके आते हैं 344, यस यहाँ तक आ रहा है 344। ओके, यहाँ पर भी 344 आ गया बराबर, और उसके बाद इधर को भी 344 लेके जाना पड़ेगा, यहाँ तक 344 आ जा रहा है। काफ़ी बड़ा सर्कल नहीं बन जाएगा? वेट, अगर इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा, हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, हर एक साइड से कितना कट करूँ, 56 मीटर कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेम इधर को भी चलेंगे, 56 मीटर कट कर देंगे, 56 यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर कट हो जाएगा, और ये डिलीट करो आप फटाफट। ये क्या ऐसे परफेक्ट सर्कल बन पाएगा? ओ डन सीन, ये यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट, ये आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ तक कनेक्ट, इसको लेके आएंगे यहाँ तक, ये हो जाएगा यहाँ पर कनेक्ट। अब इसके साइड साइड से ये पूरा प्लेन कर देंगे। अब ये वाले एरिया को भी एक सही सा शेप देते हैं, इसको सही शेप देंगे तो ये भी अच्छा लगने लगेगा देखने में। ओके, तो गाइस इसको भी मैंने एक अच्छा सा शेप दिया और थोड़ा सा साइड साइड में स्मूथ कर दिया, अब ये देखने में काफ़ी सही लग रहा है। और ऊपर साइड से अगर इसको देखोगे ना, तो ये देखो इसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर रोड का कनेक्शन करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि क्या ये रोड यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। ओ नो, ये जा क्यों नहीं रहा भाई, सब कुछ कर दिया, अगर रोड ही नहीं बन पाएगा फिर तो बैंड बज गया यार। यहाँ का लेवल लेता हूँ और सेम लेवल मैं इस वाले जगह पर करता हूँ। चलो अब ट्राई करते हैं। ओके, तो फाइनली हो गया गाइस, इसको यहाँ तक बिल्ड करते हैं, इसको लाएंगे थोड़ा सा आगे और यहाँ पर इसको डाउन करके ग्राउंडेड कर देंगे, इतना आई थिंक इनफ रहेगा। टर्न, तो यहाँ से करेंगे इसको टर्न इधर को, तो ये जाएगा यहाँ पर, और इसको यहाँ पर सीधा लाएंगे। अब ये अंदर साइड का जितना भी रोड है ये फटाफट से डिलीट कर लेते हैं, और ये सब ट्री वगैरह हैं ये भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ट्री हटाने के बाद फिर से ट्री वापस से लगा देंगे इस पे, तो ये पूरा क्लियर हो चुका है। और यहाँ से ऐसे देखोगे तो ये बाइक का मिरर लग रहा है देखने में। अब इस वाले जगह पर हम प्लेस करते हैं यूनिवर्सिटी, इसको हमें बिल्कुल इसके सेंटर में प्लेस करना है, हर एक साइड से बराबर तो लग रहा है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे प्लेस करो, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, बट आई थिंक परफेक्ट है ये। वैसे ये यूनिवर्सिटी देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट एक चीज़ तो मैंने चेक ही नहीं किया, इसको मुझे अगर अपग्रेड करना रहेगा, एक्सटेंशन विंग इधर को लग जाएंगे, और ये क्या है, यूनिवर्सिटी पार्क। ओ नो, पार्क पीछे को लगेगा, तो क्या एक ही पार्क लग सकता है या दो तीन पार्क लग सकते हैं? ट्राई करते हैं एक पार्क। ओके, मल्टीपल पार्क हम लगा सकते हैं, मल्टीपल पार्क लगाने के लिए जगह नहीं है। ये भी एक्सटेंशन विंग है, ये इधर को जाएगा, और ये है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो किधर भी बिल्ड हो जाएगा, इधर भी आ सकता है, इधर भी लाइब्रेरी आ सकता है, एक लाइब्रेरी देखो यहाँ पर आ सकता है, एक लाइब्रेरी इस साइड को भी आ सकता है, यहाँ पर आ जाएगा एक लाइब्रेरी,
एक लाइब्रेरी इधर को भी आ जाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन विंग इधर को लगा देंगे। बस एक्सटेंशन विंग सिर्फ एक ही रहेगा, तो आई थिंक मुझे ना इसको थोड़ा और आगे प्लेस करना चाहिए था। इसको रिलोकेट कर सकता हूँ क्या? ओ हो सकता है, सारी चीज़ें एक साथ में रिलोकेट हो रही हैं। नाइस, ये अच्छी बात है। तो ये प्लेस करता हूँ बिल्कुल यहाँ पर। अब ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा है ना? यस, हर एक साइड से बराबर एरिया छूटा हुआ है, तो बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पर रोड कनेक्ट करना है, तो नैरो रोड का यूज करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सीधा रोड का यूज करेंगे। डन सीन, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इधर जाने के लिए हमें कनेक्शन देना है, तो वो कनेक्शन हम यहाँ से देंगे। यहाँ से एक छोटा सा कर्व बनाएंगे इधर साइड के लिए। यहाँ पर बिल्ड नहीं हो सकता? ओके, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर थोड़े बहुत पाथ वगैरह बनाएंगे, जिससे कि इसको एक अच्छा सा फिनिशिंग मिल पाए। तो फटाफट से मैं ये भी करता हूँ। ओके गाइस, तो ये चीज़ करते करते मुझे आई थिंक 30 से 45 मिनट लग गए होंगे। यहाँ पर पूरा एक एक ट्री प्लेस किया मैंने। ये जितना भी पाथ बना रखा था ना, उस पाथ के साइड साइड में। वैसे अभी ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, थोड़े ग्रो होंगे ये, तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाकी अब इसका एक बार व्यू देखो, काफ़ी बढ़िया लगने लग गया देखने में। बाकी इसके बीच में थोड़े से ऐसे बड़े वाले ट्री भी लगा दूँ क्या? क्योंकि मैंने ना सिर्फ छोटे छोटे ट्री यहाँ पर प्लेस किया, बड़े वाले थोड़े भी ट्री नहीं प्लेस किए। बट अभी ये भी करने में ना काफी टाइम जाएगा, तो मैं अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं देने वाला है। बस इसको इतना ही रखते हैं। अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो गया, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आने वाले हैं, तो थोड़े इधर को ऐसे ना कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ से इस रोड को लेके चलते हैं इधर को, यहाँ पर आ जाएगा ये। इसको सीधा लेके आता हूँ यहाँ तक। अगर यहाँ से एक रोड कनेक्शन कर दूँ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो ये भी सही रहेगा, प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है। और एक अच्छा सा कर्व भी है। और ये बिजली के खंभे यहाँ से ना पूरा ही हटा दो। इसको मैं अंडरग्राउंड ही कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ पर इस रोड को यहाँ तक लाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको करेंगे टर्न इधर को, फिर ये जाएगा यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ पर लाके कनेक्ट कर देते हैं इस वाले जगह पर। एक 2 लेन का रोड यहाँ तक लेके चलते हैं, ये जाएगा यहाँ पर। एक 2 लेन का रोड यहाँ तक लेके चलते हैं, डन। यहाँ पर बनाएंगे हम राउंड अबाउट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। उसके बाद इस पूरे एरिया को हम अलॉट करेंगे कर्व
कमर्शियल के लिए, यहाँ पर जितना भी बनेगा सब का सब कमर्शियल बिल्डिंग बनेगा। चलो फटाफट से यहाँ पर बिल्डिंग स्टार्ट करो। हाँ, और एक चीज और रह गया था, गार्बेज मैनेजमेंट की कोई भी चीजें अभी तक हमने नहीं लगाया है, ना ही लैंडफिल साइट लगाया है, ना ही इंसनरेशन प्लांट लगाया है। ये मैंने लगाया है क्या? नहीं, तो लैंडफिल साइट लगाऊं या तो फिर ये लगाऊं? इस पे ना अपकीप बहुत ही ज़्यादा है, 2,10,000 रुपये का अपकीप है इस पे, तो मैं ये लगा सकता हूँ। तो मैं वैसे ये लैंडफिल साइट लगा सकता हूँ, इसको ना इधर को लगाऊं इस वाले एरिया में, लेकिन ये पूरा ट्री जाएगा इसको लगाने में। एक काम करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, फिर इसका पूरा एरिया बनाना पड़ता है, तो इसको ना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पूरा एरिया अलॉट करते हैं, जिसमें कि यहाँ पर गार्बेज आएगा। ठीक है, इसको करते हैं कनेक्ट यहाँ पर। ओके, ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा एरिया हमने बना दिया। ये फॉरेस्ट की ऐसी की तैसी कर रहा हूँ मैं भाई। ये गार्बेज की ट्रक निकल चुकी, ये रही गार्बेज की पहली ट्रक। अपनी सिटी इतनी बड़ी हो गई और गार्बेज मैनेजमेंट की चीज़ें थी ही नहीं। वैसे लैंडफिल साइट मैंने लगा दिया ना, तो ये भी लगा देना चाहिए, रिसाइकलिंग सेंटर। इसको मैं कहाँ पर लगा सकता हूँ? ये आई थिंक इधर को आ सकता है, इस वाले जगह पर, यहाँ पर आ सकता है। इसके लिए भी इसका एरिया बनाना पड़ता है क्या? नहीं, इसको रोड का कनेक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ से रोड लेके चलेंगे हम इधर तक, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इधर को भी रोड का कनेक्शन चाहिए क्या? कोई मसला नहीं है, यहाँ से एक रोड का कनेक्शन यहाँ तक ले लो, डन सीन, बराबर हो चुका है। एम्प्लॉय यहाँ पर 29 काम कर रहे हैं, 110% की एफिशिएंसी इसकी है। स्टोर्ड गार्बेज बिल्कुल भी नहीं है, प्रोसेसिंग स्पीड 0 है। हैं, आई थिंक यहाँ पर गार्बेज वगैरह आया उसके लिए हमें इसको उस पर लगाना पड़ता है, एम्प्टी पे, इधर ही कोई ऑप्शन होता है ना। यस, ये रहा स्टार्ट एम्प्टिंग, इस पर लगाना पड़ता है। अगर हम इसको इस पर लगाते हैं तो यहाँ से गार्बेज वगैरह जाएगा इस वाले जगह पर, देखते हैं जाता है कि नहीं। अभी कोई भी ट्रक वगैरह नहीं जा रही है। वैसे इसमें थोड़ा कलेक्ट हुआ था या नहीं? ओ, कलेक्ट हुआ था, यस, ट्रक जाने लग गई। ये देखो गाइस, यही वाली ट्रक है जो अभी यहाँ से जा रही है। ओके, तो अब इस वाले जगह से ये कूड़ा कचरा जो भी है लेके अब जा रही है रिसाइकलिंग सेंटर पे। यहाँ पर देखो पूरा जंगल वाला एरिया है, काफी अच्छी वाइब है इधर को। ओके, यहाँ तक आ चुके हैं। ये इधर से क्यों जा रहा है? ये यहाँ से सीधे इस रोड से जा सकता था, फिर यहाँ से इधर को जा सकता था, लेकिन नहीं, इसको फैक्ट्री के बीच से जाना है। वाह भाई वाह, सीधे जाके इधर से नहीं जा सकता था? यहाँ पर भी टर्न होगा क्या? वाह, ये सही है भाई, यहाँ से सीधा जाके इधर नहीं जा सकता था। अब यहाँ से ये राइट को टर्न होगा, यहाँ से अंदर साइड को जाएगा, फिर यहाँ से रिसाइकलिंग वाला काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ये चीज़ सही से वर्क कर रहा है, एक बार को क्लिक करके देखते हैं। ये रहा स्टोर्ड गार्बेज थोड़ा आ चुका है। ओके, और प्रोसेसिंग स्पीड भी यहाँ पर अब बढ़ चुका है, और इधर को ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, नॉट इनफ कस्टमर का। ओके, तो लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया खाली कर दो। ठीक है, खाली हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डी जोन करो। हाँ, अब डी जोन हो गया, और इस वाले जगह पर मैं अलॉट करता हूँ मीडियम डेंसिटी के रो हाउसिंग के लिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले इन सबको मैं डिलीट भी कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो भी है बिल्डिंग डिलीट हो जाओ, और यहाँ पर अब हाउस वगैरह बन जाए। ओह नो, ये ऐसे क्यों बनने लग गया? ये इधर को ऐसे बन रहे हैं भैया जी, ये क्या कर रहे हो? गलत काम मत करो यार, सारी बिल्डिंग ऐसे सीधे सीधे बन रही है तो तुम एक बिल्डिंग ऐसे उल्टा बना रहे हो। इधर इधर से ना डी जोन कर दूंगा तो सीधी बिल्डिंग बनेंगी। यस, ये देखो बनने लग गई ना। और मैं इतना ज्यादा लॉस में कैसे जाने लग गया? ओ नो, मैं तो कंगला होने वाला हूँ। किस पे ज्यादा पैसे जा रहे हैं? एजुकेशन पे 8,00,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके बजट को कम करना पड़ेगा, इसके बजट को मैं 50 पे अभी के लिए करता हूँ। इसका भी बजट मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, पुलिस के भी बजट को मैं अभी के लिए 80 पे कर देता हूँ। क्राइम रेट बढ़ेगा तो फिर हम इसको बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ केयर पे हमारा ना बहुत ज़्यादा बजट जा रहा है, तो हेल्थ केयर के भी बजट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे कि अभी हम थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर पाए। 35,000 का मंथली इनकम आने लग गया, चलो ठीक है, एक बार को चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रहा उसकी वजह से? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा देखो। और यहाँ पर भी ये पूरा नॉट इनफ कस्टमर का प्रॉब्लम आ गया। ओ भाई, कौन एक्सीडेंट कर रहा है? ये देखो इस बदतमीज को, इस बाइक को ऐसा मारा कि ये बाइक रोड के किनारे चला आया। भाई चलाना सीख ले उसके बाद रोड पे चलाया क्या? हेलो, वैसे पुलिस आई हुई है यहाँ पर,
और इसके ग्राफिक्स को क्या हो गया अचानक से? हेलो भाई, ये क्या है सिटी स्कैलाइंस का यार, अचानक से ग्राफिक्स ऐसे टट्टी कैसे हो जाता है? अब वापस से सही हो गया? मेरा पीसी पोटैटो है या ये सिटी स्कैलाइंस का दिक्कत है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। इसका क्या करूं, इसको मैं डी जोन करके अलॉट कर दूं, इसको मिक्स कर दूं क्या, जैसे यहाँ पर ना रेसिडेंस के लिए अलॉट कर दूं, जहाँ जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है ना उन उन जगह पर मैं रेसिडेंस बना देता हूँ। तो इनको मैं ग्रेट टाउन, ओके 22 लाख रुपए मिले अपने को भाई, ये पैसे तो कुछ ज्यादा ही है, अब तक के सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं। हाई डेंसिटी का बिजनेस अनलॉक हो गया है, लोन लिमिट 8 लाख का हो गया है, चलो बहुत अच्छी बात है। इधर को मेडिकल का इशू आने लग गया, यस काफी सारे जगहों पर आने वाला है, तो बजट हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। हेल्थ केयर का बजट 80 पे मैंने कर रखा है भाई, अब कितना बढ़ाऊ, 90 पे कर देता हूँ, चलो इससे ज्यादा नहीं बढ़ा रहा भाई। ये रो हाउसिंग बने, ओ नाइस, ये पूरे रो हाउसिंग बन के रेडी हो चुके हैं, काफी ज्यादा वैसे सही लग रहा है, बस थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया ना, इधर का हाउस इधर साइड को फेस कर गया, इधर का इधर को, इसको मुझे डी जोन करके फिर से बनाना चाहिए था, तब जाके ये ऐसे बन पाते। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है वैसे। और यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ने आ रहा है या नहीं, 3 लाख का अपकीप इस पर मंथ जा रहा है। एफिशिएंसी अभी 25% ही है, सर्विस बजट बढ़ाना पड़ेगा तब इसका एफिशिएंसी थोड़ा और बढ़ेगा। नॉट इनफ एम्प्लॉय हैं, क्या बात कर रहे हो, 102 लोगों की जगह है, 94 लोग पड़े हुए हैं, तो नॉट इनफ कैसे हो गया भाई, थोड़े से का तो फर्क है। अभी सिर्फ 40 स्टूडेंट यहाँ पर आए, ओके सेलेक्ट ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके तो अगर मैं ये वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा ना, तो इधर के जितने भी लोग हैं आई थिंक यहाँ पर पढ़ने के लिए जाएंगे, तो मुझे एक और डिस्ट्रिक्ट बना लेना चाहिए ना इस वाले जगह के लिए, क्योंकि इसको भी मुझे अलॉट करना है यहाँ पर जाने के लिए। तो यहाँ से ये पूरा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, इस वाले जगह से ये पूरा जाएगा, फार्मिंग इंडस्ट्री अलग में रहेगा, ये वाला अलग रहेगा, ठीक है ये यहाँ तक आएगा और ये कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर, डन सीन। फार्मिंग इंडस्ट्री को भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, ये यहाँ से लेके इधर तक ऐसे आएगा, इसको यहाँ तक करते हैं कंप्लीट, डन सीन। और अब मैं यहाँ पर चल के सिलेक्ट करता हूँ ये वाला एरिया भी और ये वाला पूरा एरिया भी, तो आई थिंक कॉलेज वगैरह पर भी ये सेम चीज़ होता होगा, यस। तो इससे क्या होता है ना, हम जितने एरिया को सेलेक्ट करते हैं उस पूरे एरिया में इस बिल्डिंग की सर्विस रन करती है, आई थिंक इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट तो पड़ना ही चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। ओ नो, यहाँ पर पार्किंग तो मैंने बनाया ही नहीं, चलो खाली करो, रुको रुको ऐसे मत बनाओ, यहाँ पर हम लगाएंगे एक पार्किंग बड़ी वाली, नहीं आ रहा, इधर को आ जाएगा, इधर भी नहीं आ रहा, ये वाला पार्किंग तो कभी नहीं आएगा, ये वाला पार्किंग आ जाना चाहिए, थोड़ी सी और बिल्डिंग डिलीट करने पड़ गए, अब आ जाएगा ना, बराबर इस वाले जगह पर एक पार्किंग हो गया। पार्किंग फी तो मैं हाई लेने वाला हूँ, चलो 20 दो मुझे, 20 रुपये लेगा पार्क करने का, ये भी उड़ा दो। यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग प्रॉब्लम में चल रही है, प्रॉब्लम अपने को चाहिए ही नहीं, सारे बिल्डिंग उड़ा दो जितने भी प्रॉब्लम में हैं। वैसे हाई डेंसिटी अनलॉक हो चुका है, तो एक बार को चेक करूँ हाई डेंसिटी की बिल्डिंग कैसी बनती है। ये क्या हो गया, ऐसे यहाँ पर अलॉट करो और सेम यहाँ पर अलॉट करो और थोड़े हाई डेंसिटी यहाँ पर अलॉट करो, देखते हैं हाई डेंसिटी की बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी बनती हैं। ओ भाई, इन सब बिल्डिंग का क्रेन देखते हो कितना छोटा छोटा सा होता है, और इसका क्रेन देखो ऐसे भाई आसमान में पहुंच गया है, बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों में। टावर बनने वाला है क्या यहाँ पर? नहीं भाई, टावर तो नहीं चाहिए यार, उतनी बड़ी बिल्डिंग मत बनाओ, बहुत गंदा लगेगा यहाँ पर देखने में। मीडियम हाउसिंग के लिए मैं अलॉट कर देता हूँ उस वाले जगह पर, यहाँ पर मीडियम हाउसिंग बना लो, ठीक है डन सीन। अगर ये ज़्यादा बड़े बिल्डिंग हुए ना, पट से यहाँ से गायब कर दूंगा। ये वाला पार्किंग तो मस्त चल रहा है, ये देखो भाई फुल चल रहा है ये तो, और भी पार्किंग की जरूरत है गाइस, वैसे देखो ये पार्किंग पूरा फुल चल रहा है, तो एक पार्किंग हमें यहाँ पर बना देना चाहिए, इसको चटकाओ, अरे रुक जाओ भैया जी, यहाँ पर बना देते हैं एक छोटी सी पार्किंग, डन। और भी पार्किंग की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग रहते हैं, एक पार्किंग यहाँ पर बना देंगे, डन सीन। यहाँ पर एक पार्किंग बनाया हुआ है, एक पार्किंग यहाँ पर बनाया हुआ है, एक पार्किंग यहाँ पर बना सकते हैं, चलो डन। ये सारी पार्किंग फुल चल रही है, ये देख रहे हो, ये वाली भी फुल है, ये वाली पार्किंग भी मस्त फुल है। पार्किंग फी बढ़ाता हूँ,
पार्किंग फी 20 कर देता हूँ, सब में पार्किंग फी 20 कर देता हूँ। पैसे चाहिए मेरे को, बहुत ज्यादा पैसे। 20 दो तुम भी, इधर जो भी है तुम भी 20 रुपए दो भाई। 20 रुपए तो बहुत कम होते हैं वैसे, ये रुपया नहीं आई थिंक सेंट है, बट फिर भी हम तो रुपया ही बोलेंगे। इसको भी 20 करो। इसको क्या हो गया भैया जी, क्या हो गया आपको? वेटिंग फॉर एम्बुलेंस। कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो। वेटिंग फॉर अर्स। वाह, एक लोग यहाँ पर बीमार हुए, एक लोग यहाँ पर लटक लिए, क्या चल रहा है ये? और ये बिल्डिंग बनने में कितने साल लगेंगे? 2-3 साल बाद एक बिल्डिंग बनेगा, क्या चल रहा है भाई? जल्दी से ये बिल्डिंग बनाओ ना। ये देखो, ये बिल्डिंग बनी नहीं, यहाँ पर एम्बुलेंस की जरूरत। वाह, ये सही चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? यहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, फिर वो गायब हो जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है बन गया। आइए गाइस, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं हो गई, वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मीडियम हाउसिंग थे, बस 2-3 बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर हो गई। इस पे कितने लोग हैं? 142 हाउस होल्ड, 300 लोग। ओ भाई, 214 लोग। इसमें कितने लोग हैं? 335 लोग। इस पूरे एरिया में जितने लोग नहीं है उतने लोग सिर्फ ये 4 बिल्डिंग में है। देख रहे हो, इधर क्या हो गया भाई? ऐसे ट्रैफिक क्यों मचा रहे हो? ओ नो, इतना भयंकर ट्रैफिक। और ये ट्रैफिक किसकी वजह से हो रहा है? एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैं बनाऊंगा ओवर ब्रिज, मीडियम वाला रोड लूंगा, हाइट लेता हूँ 7.5 मीटर आई गेस इनफ रहेगा। यस, इसको लेके आते हैं यहाँ पर, बराबर ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे यहाँ पर डाउन 62 मीटर पे, नहीं 52 मीटर पे, और इसको करेंगे यहाँ पर कनेक्ट। सेम चीज़ हम इधर भी करेंगे, इसको करते हैं यहाँ पर बिल्कुल नीचे, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले जगह पर। अब यहाँ पर एक ओवरब्रिज बन चुका है, तो कुछ लोग अगर इस वाले रोड का यूज करने लग जाएंगे ना, तो ये वाला ट्रैफिक सही हो सकता है। वैसे यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है नहीं, सिर्फ ये लोग आके ट्रैफिक कर रहे थे, बाकी अब ये ट्रैफिक मूव हो जाएगा। क्या घंटा मूव होगा भाई, ये ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ओ नो, इसका कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया। तो गाइस देखो, वो इंटरसेक्शन तो यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी भी ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। फिर मैंने इसको 6 लेन कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 6 लेन हो चुका है। यहाँ पर एक राउंड अबाउट बना दिया हूँ जिससे कि ट्रैफिक यहाँ से अच्छे से निकले, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक निकलने में टाइम लग सकता है। यहाँ पर थोड़ा और रोड कनेक्शन बढ़ा देंगे तो ये ट्रैफिक थोड़ा और अच्छे से यहाँ से निकल सकता है। इसको पेज अप करते हैं थोड़ा और कम, 7.5 के हाइट पे बनाते हैं। इसको यहाँ से लेके चलता हूँ यहाँ तक, 129 ये आ जाएगा यहाँ तक, ये इधर जाने के लिए हो जाएगा। सेम इधर को भी बनाएंगे, यहाँ तक आ जाएगा ये बराबर। फिर इसको करेंगे यहाँ पर डाउन यहाँ तक, और इसको फिर यहाँ पर कर्व करके कनेक्ट कर देंगे। सेम ये आएगा यहाँ तक, यहाँ से कर्व करके ये कनेक्ट कर देंगे, और ये सेम चीज़ इधर को भी करेंगे। थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया होगा, ये इधर को जाएगा, ये भी इधर को जाएगा, बराबर हो गया, और ये इधर को आएगा पूरा। अब सही है ना? तो अब तो यहाँ पर ट्रैफिक अच्छे से निकलना चाहिए। देखो, जिनको सीधे जाना है ना इस साइड को, वो यहाँ से इस वाले लेन में आ जा रहे हैं, और यहाँ से फिर सीधे इधर को आ जा रहे हैं, और जिनको इधर को जाना है सिर्फ वही लोग यहाँ पर नीचे साइड से जा रहे हैं। तो अब आई गेस ये ट्रैफिक सही हो जाना चाहिए, और सही हो चुका है। हो जाना क्या चाहिए भाई, पूरा ट्रैफिक क्लियर कर दिया हमने, इजी पीजी ट्रैफिक फिक्स कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी चलो गाइस, आज भी हमने वैसे ना बहुत सारी चीजें किया। यहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी लगा दिया, वो भी एक सर्कल आइलैंड पे। वैसे इसको फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, क्योंकि भाई देखो ये पूरे साइड से पानी में तैर रहा है। तो यस, मैं इसका नाम यही देने वाला हूँ। अभी हैप्पीनेस का क्या सीन है? हाई क्राइम, कौन क्राइम कर रहा है एक बार दिख जा। पुलिस स्टेशन लगाने चाहिए या फिर मुझे बजट बढ़ा देना चाहिए? बजट कितना चल रहा है एक बार को चेक करता हूँ। पुलिस पे बजट मैंने 82 का कर रखा है, 90 पे कर दूँ या फिर इसको 100 पे कर देता हूँ। 100 पे कर दूंगा तो आई थिंक ये क्राइम रेट माइनस हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस अभी भी हमारी सिटी में नहीं है, तो आई थिंक इंटरनेट सर्विस सही कर देना चाहिए। एक बार को चलते हैं यहाँ पर। मैं अभी ना ये मोबाइल टावर लगाने वाला हूँ, काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रहा है। वैसे एक मोबाइल टावर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस वाले जगह पर, कैसा लगता है वैसे ये देखने में?
ओ नाइस, ये देखो गाइस क्या ही सही लग रहा है ना। और भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक से तो काम नहीं पड़ेगा। इसका रेंज जो है ना सिर्फ 1 किलोमीटर है। ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हो ये इसका रेंज होता है। तो हमें वैसे 3-4 लगाने की जरूरत पड़ सकती है। एक मैं इधर को लगा देता हूँ यहाँ पर, तो इधर को ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। एक अपने को इधर लगाना पड़ेगा, तो एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये सब कवर हो गया। एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस वाले एरिया को कवर करने के लिए, तो मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पर। यस, वो प्रॉब्लम सही हो गया। हैप्पीनेस धीरे धीरे बढ़ जाता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को सही करना पड़ता है, फिर हैप्पीनेस जो है ना वो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। एक बस का कनेक्शन मुझे है ना यूनिवर्सिटी में भी कर देना चाहिए, जिससे कि यूनिवर्सिटी में ना स्टूडेंट लोग पढ़ने आ सके। तो एक बस स्टॉप यहाँ पर बनाता हूँ, और एक बस स्टॉप हम बनाएंगे यहाँ पर इस वाले जगह पर, और एक बनाएंगे हम इधर को। लाइन क्रिएट करेंगे इसी वाले बस स्टॉप से, यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये जाएगा यहाँ पर, पहला स्टॉप लेगा, दूसरा स्टॉप ये यहाँ पर लेगा, फिर इधर साइड से ये पूरा ऐसे घूम के आएगा ये इस वाले जगह पर। ओह नो, इधर को लगाना पड़ेगा। वेट, मुझे फिर से लाइन क्रिएट करना पड़ेगा, ये क्या है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये जाएगा यहाँ पर, एक स्टॉप लेगा यहाँ पर, फिर इधर से ये पूरा बस जो है घूम के आएगी और एक स्टॉप लेगी यहाँ पर। इधर से जो भी स्टूडेंट आएंगे वो उतर जाएंगे, फिर वो पढ़ने जा सकते हैं। और इधर से जिनको भी वापस जाना रहेगा वो आ जाएंगे, और वो फिर सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर लाइन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। डन सीन। एक और नई बस आ गई। अच्छा, ये अभी डिपो से आ रही होगी, अभी जो हमने नया लाइन क्रिएट किया ना उसके लिए। तो चलो गाइस, आज के लिए तो बस इतना रखते हैं। ये यूनिवर्सिटी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। वैसे काफी टाइम मैंने लगाया इस चीज को बनाने में, तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।